बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट नंबर टू ऑफ टेस्ट नंबर फाइव। फर्स्ट ऑफ ऑल सिनोनिम गुड बाय मिस्टर चिप से। कर्टियसली का मतलब होता है पोलाइटली, क्योर का मतलब इलाज करना होता है ट्रीटमेंट, उसके बाद लॉज का मतलब रहना होता है रिजाइडेड, उसके बाद नवाथलेस से मुराद होता है However, despite all that, sympathetic का मतलब काइंड बिहेवियर को कहते हैं, किसी की तरह हमदर्दी रखना। tumultuous का मतलब जो शोर ज्यादा हो, लाउड। थ्रेश से मुराद बीट करना होता है, तो किसी को पनिश करना। उसके बाद ट्रिम से मुराद होता है, जिस तरह से हम कहते हैं बाल ट्रिम करना, तो इससे मुराद होता है प्रून, कांट छांट करना होता है। टर्मिनल का मतलब एंड पे, किसी चीज के एंड पे हो या टर्म के एंड पे हो। डिटेक्टिव से मुराद होता है जो सीक्रेट स्टोरीज होती हैं, उसको कहते हैं। इम्पीड का मतलब किसी चीज में हिंड्रेंस होती है, रुकावट डालना होता है, हिंडर्ड। पेविलियन कहते हैं जिसमें शो ऑफ हो, दिखाया जाए, थिएटर के। उसके बाद सक्सेसर से मुराद जो बाद में आने वाला होता है, डिसेंडेंट, जानशीन। बोन फायर कहते हैं जो कैंप फायर होती है, जो बड़े पैमाने पर लकड़ियां जलाते हैं, उसको हम बोन फायर कहते हैं। ब्रोंकाइटिस एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सक्सीड किसने किया रास्टन को, तो जाहिर है मिस्टर चैटर्स सक्सीडेड रास्टन, ही वॉज हेडमास्टर। जब कॉम्प्लीमेंट में हो तो आनी लगाना। ही वॉज ब्रिलियंट, मॉडर्न, सिंपैथेटिक एंड फ्रेंडली। ये एडजेक्टिव हैं सब के सब, ए एन इस्तेमाल नहीं करना। ही हैड गुड रिलेशंस विद मिस्टर चिप्स। उसके बाद एक्टिविटी क्या थी उसकी रिटायरमेंट के बाद, एक्टिविटी आफ्टर रिटायरमेंट। ये रिटायरमेंट के बाद ये सेम है जो चैप्टर नंबर थ्री में हमने मेंशन किया था कि जो एक्टिविटी रिटायरमेंट के बाद क्या थी, या रूटीन एंजॉयमेंट। ये सवाल दो तरह से आते हैं, व्हाट वर द रूटीन एंजॉयमेंट, और उसके बाद वो एक्टिविटीज क्या थी। फेयरवेल स्पीच, अब हमारा सब्जेक्ट है द फेयरवेल स्पीच ऑफ मिस्टर चिप्स, ये हमारा सब्जेक्ट है। और इस ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। वॉज नॉट अ लॉन्ग स्पीच, ही मेड मैनी जोक्स, और ये नरेटेड पास इंसिडेंट्स। ही ऑल्सो मैंशन द इंसिडेंट रिलेटेड फर्स्ट बाइसिकल, द लेम बॉय, द हार्ड फ्रॉस्ट फॉर 7 डेज, एग्जेजरेशन ऑफ स्कूल कैप्टन, देयर वन मीजल्स, बोन फायर एंड टक्स अपॉन इट। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हो जाएगा। ही यूज मैनी लैटिन कोटेशन इन इट, और ये लॉन्ग स्पीच नहीं थी, तो इट बिकेम लॉन्ग, इट बिकेम डबल, ये डबल होगी। उसके बाद 13 में कहाँ पे गया था, गो इन चिप्स इन 13, तो वो रिटायर हो गया था। ही वेंट टू मिसेस विकेट्स हाउस, और विच वॉज जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड से बिल्कुल सड़क के उस पार था। और उसके बाद इट वॉज ईजी फॉर हेम टू लिव अकॉर्डिंग टू स्कूल। और इसके बाद ये उसके अलावा भी गया था वो ट्रीटमेंट के लिए, तो ही वेंट टू जर्मनी और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, और ही स्टेड एट द हाउस ऑफ वाइसबेडन, या हर्स्टेफल, हर्स्टेफल के घर में रहा था वो। कैप्टन ऑफ स्कूल का क्या, जजिस का फेयरवेल में जिक्र किया, द कैप्टन ऑफ द स्कूल, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वाज अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स, ही वाज हैबिचुअल ऑफ एग्जेजरेटिंग मिस्टर चिप्स सर्विसेज, उसकी खिदमत की तो वो एग्जेजरेट करता था। ही बिलोंग टू एन एग्जेजरेटिंग फैमिली, और मिस्टर चिप्स बीट हिज फादर, उसके बाप को एक दफा मारा था। ही गेव हिम 1 मार्क, बट ही मेड इट 7, उसको 7 बना दिया। लैम बॉय क्या था, ही वॉज अ मेंबर था ऑफ द डोमेस्टिक स्टाफ।
ही यूज टू ट्रिम एंड क्लीन. यूज टू इस्तेमाल करेंगे पास टेंस, उसके बाद इन्फिनिटिव यूज करते हैं. ही यूज टू ट्रिम एंड क्लीन द लाइट लैम्प्स थ्रू आउट द स्कूल. मैफकिंग नाइट को क्या हुआ? इंग्लैंड वॉन द वॉर इन साउथ अफ्रीका. द डे वॉज सेलिब्रेटेड, या क्या होगा, इट वॉज सेलिब्रेटेड या दे सेलिब्रेटेड. अब यहाँ पे इंग्लैंड की जगह पे द क्या होगा, अब द इंग्लिश कर लें क्योंकि पहले नाउन का जिक्र करना चाहिए. द इंग्लिश सेलिब्रेटेड मैफकिंग नाइट. दे बर्न क्या होगा, द स्टूडेंट्स ऑफ ब्रुकफील्ड बर्नड द बोनफायर नियर द पवेलियन बट इट गॉट आउट ऑफ कंट्रोल. और दे कॉल्ड द फायर ब्रिगेड. द फायर मैन वर इन अ रिग्रेटेबल कंडीशन, वो खराब हालत में थे. चिप्स ने लैम्बोए के बारे में क्या कहा? ही रिमार्क दैट, या ये वही वाला क्वेश्चन है. रास्टन ने क्यों छोड़ा ब्रुकफील्ड को? रास्टन हमारा सब्जेक्ट है, अगर लीव हमारे पास वर्ब है. रास्टन लीव लेफ्ट ब्रुकफील्ड फॉर हिज बेटरमेंट. ही ज्वाइंड अ पब्लिक स्कूल एज अ हेड. और ही वॉज ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएट कर नहीं रहा हुआ था व्हेन ही फेल्ड टू बैनिश मिस्टर चिप्स. और रास्टन किसने सक्सीड किया? हु सक्सीड रास्टन? चेट्रस. यहाँ पे क्या होगा, चेट्रस सक्सीडेड मिस्टर राल्सन एज अ हेड. और ही वॉज ब्रिलियंट मॉडर्न, ये बाकी वही है. मॉडर्न सिंपैथेटिक एंड फ्रेंडली. ही हैड गुड रिलेशंस विद मिस्टर चिप्स. उसके बाद कितना अरसा रहा मिस्टर चिप्स? तो मिस्टर चिप्स हैड बिन, जब टाइम आ जाए तो हमने परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे. हैड बिन एट ब्रुकफील्ड फॉर 42 ईयर्स, 42 साल तक रहा. ही रिमेन्ड वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी. ही एक्सपीरियंस मैनी अप्स एंड डाउन्स बट ही रिमेन्ड कमिटेड एंड ऑनेस्ट. उसके बाद है, जब रिटायर हुआ तो कौन था? वेन मिस्टर चिप्स, व्हेन मिस्टर चिप्स गॉट रिटायर्ड. अभी यहाँ पे चेट्रस वॉज द हेड, वॉज हेड मास्टर व्हेन मिस्टर चिप्स गॉट रिटायर्ड एट द एज ऑफ 65, या ही वॉज 65 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम. उस वक्त जो है वो 65 ईयर्स का था. उसके बाद रिटायरमेंट को क्यों डिसाइड किया? तो चिप्स वॉज अ पेशेंट ऑफ, पेशेंट था ब्रोंकाइटिस. ही फेस्ड मैनी ब्रीदिंग, या ही फेस्ड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग विंटर. ही कुड नॉट अटेंड स्कूल इन द स्कूल फॉर द होल विंटर टर्म. और देयर फॉर ही डिसाइडेड टू रिजाइन बिकॉज ही थॉट इट अनफेयर टू स्टिक, ठीक, वो स्टिक विद हिज जॉब. वो अपने जॉब के साथ चिमटे रहने से उसने गलत समझा. बिहेव कैसे किया? चैटर्स बिहेव नाइसली, बिहेव्ड विद चिप्स. चिप्स के साथ जो ना वो नाइसली बिहेव किया. ही वॉज काइंड टू हिम. ही रिकग्नाइज दैट ब्रुकफील्ड एंड चिप्स वर इनसेपरेबल, वो अलग होने वाले नहीं थे. बरूल कौन थे? शी वॉज अ टक शॉप ओनर. और शी लेफ्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया बिकॉज हर अंकल लेफ्ट अलॉट ऑफ मनी फॉर हर, या लेफ्ट हर अलॉट ऑफ मनी. उसके बाद रिलेशनशिप क्या था? ये हम पहले भी बात कर लें कि चेट्रस वॉज सिंपैथेटिक एंड काइंड टू मिस्टर चिप्स. और ही वॉज इंटेलिजेंट एंड कर्टियस. ही रिकग्नाइज दैट देयर ले, लाइक की पास काम हो जाएगी ले, देयर ले ब्रुकफील्ड इंस्टीट्यूशन इन मिस्टर चिप्स. जर्मन मीजल क्या है? इट इज अ कंटेजियस डिजीज विच इज कास्ड बाय वायरस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रूबेला. इट इज करेक्टराइज बाय हाई फीवर, सोर थ्रॉट एंड रैशेज ऑन बॉडी, या ऑन ह्यूमन, ऑन द बॉडी. और उसके बाद 2/3 ऑफ ब्रुकफील्ड सफर्ड फ्रॉम दिस डिजीज. और क्या होगा, हॉस्पिटल जो हॉल था, बिग हॉल वॉज चेंज्ड इनटू हॉस्पिटल वार्ड. द बिग हॉल वॉज चेंज्ड इनटू अ हॉस्पिटल वार्ड
एक हॉस्पिटल वार्ड में चेंज कर दिया गया। 13 चैप्टर कंसील का मतलब छुपाना होता है, तो आफ्टरवर्ड कंसील्ड फैक्ट हाइड आ जाएगा। उसके बाद हिस्टेरिकल का मतलब पागल हो जाना होता है, मैड मैड हो जाएगा। उसके बाद स्टैंड का मतलब सामना करना होता है, टॉलरेट फेस करना या सामना करना। ट्रायल गेम का मतलब जो सिलेक्शन के लिए कॉन्टेक्स्ट होता है, जो उसमें चुना जाता है मुकाबले के लिए। स्ट्रेनसली का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करके, आर्डेंट कह ले। उसके बाद है क्लेंच का मतलब होता है किसी जगह पे फंस जाना, ग्रिप्ड होगा। उसके बाद वेंट ऑन का मतलब कंटिन्यू रखना होता है, जारी रखना, कंटिन्यू। फॉरेस्टर कौन था, किस तरह से वो डाय हुआ, फॉरेस्टर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स। उसके बाद है ही वॉज द स्मॉलेस्ट बॉय इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रुकफील्ड, और ही वॉज 4 फीट हाई अबव हिज शूज। ही मिस्टर चिप्स आस्क्ड हिम जोकिंगली इफ ही वॉन्टेड टू फाइट इन द वॉर, और ही वॉज किल्ड इन द वर्ल्ड वॉर 1 इन 1918। वो बच्चा था उस वक्त, तो मजाक से कहा, लेकिन बाद में वो एक्चुअली वॉर में हिस्सा लेके फौत हो गया। उसके बाद है ब्रुकफील्ड, चिप्स ने क्यों रिजॉइन किया और क्या रिक्वेस्ट की जाए ट्रस्ट ने। वॉरियर्स वर कैटास्ट्रोफिक फॉर इंग्लैंड एंड जेट्रिस, मैनी यंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट मैनी यंग टीचर्स पार्टिसिपेट द वॉर एंड वर किल्ड। अब किल हो नहीं रहा बोल के, हुए थे, वर किल्ड हो जाएगा। जेट्रिस वॉज ऑल्सो पेशेंट ऑफ डायबिटीज, ही वॉज ओवरवर्कड एंड ओवर वरीड, देयर फॉर ही रिक्वेस्टेड मिस्टर चिप्स टू रीजॉइन ब्रुकफील्ड, एंड एज अ रिजल्ट मिस्टर चिप्स रीजॉइन ब्रुकफील्ड इन सितंबर 1916। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कब उसने ज्वाइन किया, और इससे ये भी हो सकता है मुराद कि कब रीज्वाइन किया, और उसके अलावा क्यों रिक्वेस्ट की उसको, या व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ चेट्रस। ये इसमें ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, प्रॉब्लम्स ऑफ चेट्रस। उसके बाद है चेट्रस ने रीड आउट क्या करता था हर संडे को। चेट्रस रेड द नेम्स ऑफ बॉयज हु वर किल्ड इन द वॉर, और ही नरेटेड देयर शॉर्ट बायोग्राफीज। अब सबकी है, अलग अलग है, तो प्लूरल आ जाएगा, रेफरेंट नाउन प्लूरल है, और इट वॉज अ ट्रेजिक साइट। ब्रुकफील्ड का कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग वॉर है, तो ये एक कंट्रीब्यूशन जनरल आता है जो चैप्टर नंबर 2 में है, और एक आता है ड्यूरिंग वॉर। तो अ मिलिट्री कैंप वॉज एस्टेब्लिश नियर ब्रुकफील्ड। ये भी हो सकता है कि क्या हुआ था, वट हैपन्ड Happened in 1915, और what happened at Brookfield? Brookfield में क्या हुआ in 1915 में क्या हुआ था? तो a camp was established. The soldiers used the building for OTC and ground for a playground for sports and games. और मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड द वॉर एंड वर किल्ड ड्यूरिंग एंड वर किल्ड, और बार बार वॉर नहीं कहेंगे, एंड वर किल्ड मारे गए। चैट्रस कब मरा, चैट्रस वॉज आ पेशेंट या वॉज द पेशेंट ऑफ क्या होगा, डायबिटीज। ही वॉज ओवरवर्कड एंड वरीड, और ही डाइड इन 1917, और मिस्टर चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड एज अ रिजल्ट। ये एक्टिंग हेड वाला हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद है ब्रुकफील्ड वॉरियर में क्या हुआ, तो ये पहला क्वेश्चन हो चुका है, ऊपर मैंने जिक्र किया जिसका। और यंग टीचर क्यों ट्रबलसम थे, और द यंग टीचर्स हमारा सब्जेक्ट है ब्रुकफील्ड। द यंग टीचर्स वर इमेच्योर एंड इम्पेशेंट, और दे कुड नॉट टेकल द स्टूडेंट्स, और सम टीचर्स गॉट हिस्टेरिकल टू पनिश देम। पनिश करने के लिए वो हिस्टेरिकल पागल हो जाते थे, टू पनिश स्टूडेंट्स, माइनर इशू पे भी वो बहुत ज्यादा पागल हो जाते थे। उसके बाद टैक्सिंग से मुराद क्या होगा, टायरसम होता है, जो थका देने वाला हो। यान से मुराद स्टोरी है, कहानी।
उसके बाद डिस्पाइज का मतलब होता है नफरत करना, तो कंडेम आ जाएगा। उसके बाद फ्लूक से मुराद जो बाय लक खुशकिस्मती से हो उसको हम फ्लूक कहते हैं। ब्रोकआउट का मतलब अचानक शुरू हो जाना है, स्टार्टेड सडनली। और उसके बाद ग्रेटिफाइड से मुराद होता है ही वॉज ग्रेटिफाइड बाय सक्सेस। कॉन्टेंट था यहाँ पे क्रीप द सेंस, यही बनेगा। चिप्स एक्टिंग हेड कब बना फॉर द सेकेंड टाइम, ये वही पीछे हम जिक्र कर चुके हैं। मिस्टर चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड एट द डेथ ऑफ साइट्रस, और उसके बाद ही टुक ओवर द चार्ज ऑफ स्कूल, स्कूल का चार्ज लिया फॉर इंटरपीरियड ड्यूरिंग वॉर ईयर्स, सिर्फ उसके लिए वॉर के लिए वो राजी हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स ने क्या कमेंट किया, तो स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, कमेंटेड दैट जब उसने पढ़ा द स्टूडेंट्स कमेंटेड दैट मिस्टर चिप्स, ये सब्जेक्ट आ गया हमारा, कमेंट की बजाय कमेंटेड आ जाएगा, दैट मिस्टर चिप्स हैड ओल्ड एंड पिक्यूलियर आइडियाज व्हेन ही मेंशनड हेयर स्टेफल जर्मन मास्टर इन द चर्च, चर्च में जब उसने जिक्र किया उसका। और मिस्टर चिप्स गॉट सैड एट दीज रिमार्क्स, या एट द रिमार्क्स, रिमार्क्स के साथ वो सैड हो गया। और चिप्स में नोट लिखना एज ए ग्रेट जेस्टर, ही गॉट द फेम ऑफ अ ग्रेट जेस्टर, पीपल एक्सपेक्टेड जोक फ्रॉम हिम, ही मेड न्यू जोक्स अबाउट ओटीसी रेट्स एंड एसनिक सिस्टम, ही मेड अ जोक अबाउट रिसोल मीट केक, और इट वाज कॉल्ड मिस्टर चिप्स लेटेस्ट। लेटेस्ट के बारे में आज कौन कौन से जोक्स बना लिए उसने, और एज अ जेस्टर उस पर नोट लिखना है, तो ये तीनों सवाल इसमें आ जाएंगे। उसके बाद एबरेंडम क्या था और क्या मजाक बनाया, इसका नाम था रिसोल, रिसोल था इसका नाम उस केक का। तो रिसोल वाज फ्राइड केक इन द स्कूल मेन्यू, इट वाज सर्व ऑन मंडेज, मंडेज कह लो या ऑन एवरी मंडे कह लो, ये दोनों का मतलब एक ही है। और मिस्टर चिप्स कॉल्ड इट एबरेंडम, और इट वाज कॉल्ड चिप्स लेटेस्ट, उसका ताजा तरीन मजाक कहलाता था। चिप्स के साथ अपोस्ट्रॉफी एस भी लगाया जा सकता है, और ताहम इसके बगैर भी लिखा जा सकता है, बेहतर इसके बगैर लिखें क्योंकि कई लोगों को नहीं पता कि नाम के साथ ये ऑप्शनल होता है। अपोस्ट्रॉफी अकेला लिख दें या अपोस्ट्रॉफी के साथ एस के साथ अपोस्ट्रॉफी के ऊपर साथ एस भी लिख सकते हैं। उसके बाद है उसने बेनेट प्रैक्टिस के बारे में क्या कहा, तो चिप्स हमारा सब्जेक्ट है, डिसलाइक्ड बेनेट प्रैक्टिस, ही कॉल्ड इट अ वल्गर वे, ही वॉज अगेंस्ट वॉर, वॉर चूंकि जनरलाइज सेंस में है द वॉर नहीं कहेंगे, ही रेड द नेम्स ऑफ जर्मन मास्टर इन द चर्च, और ही मॉन्ड एट हिज डेथ, और ही एस्पायर्ड टू फिनिश द वर्ल्ड वॉर, देयरफॉर लोग उसको कहते थे, पीपल कॉल्ड हिम, यही वॉज कॉल्ड अ प्री वॉर मैन, जंग से पहले का आदमी, एडजेक्टिव उसके लिए इस्तेमाल किया गया। और क्या हुआ जब वो पढ़ता, वेन एवर ही रेड आउट, वेन ही रेड आउट द नेम्स ऑफ दोज हु वर किल्ड इन द वॉर, ही वेप्ट बिटरली बिकॉज ही लव देम, और ही न्यू देम वेल, उनको सभी की बायोग्राफी वो पता था। सी थ्रू से मुराद होता है किसी चीज में से वो समझना, अंडरस्टैंड करना, तो ये सी थ्रू होता है। उसके बाद ऑन फुट होता है, अगर ऑन फुट और अगर ट्रेन हो तो बाय ट्रेन, बाय बस, उसके साथ हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। सफरिंग फ्रॉम फीवर, सोल्ड बाय डजन, मेक श्योर ऑफ ट्रू टू किसी के अंदर होना, टाइम बाय योर वॉच, टाइड ऑफ, ये टाइड होता है टाइड ऑफ किसी चीज से उकता जाना होता है, तो इससे मेरा टाइड ऑफ होता है, टाइड विद होता है एग्जॉस्ट हो जाना, तो ये दोनों में फर्क होता है। ट्रस्ट इन गॉड, और विल टाइड ओवर हर डिफिकल्टी, टाइड ओवर का मतलब होता है काबू पा लेना, ये कम ओवर भी होता है, टाइड ओवर भी होता है, और गेट ओवर भी होता है, ये सभी के साथ अपने ओवर का प्रपोजिशन लगाते हैं। टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट कर देना होता है, किसी चीज को रिजेक्ट कर दे तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, टर्न डाउन कहते हैं। टेस्ट फॉर यूजुअल यूजफुल इज यूजफुल टू हेल्थ,
वेन ऑफ हो गया, वेक्स्ड एट हो गया, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ही इज एली इज है, एली इज वेल ऑफ विजडम। वेल ऑफ से मुराद फुल ऑफ होना है, वेटिंग फॉर होता है, अगर अवेटिंग आ जाए फिर हमने प्रेपोजिशन नहीं लगाते, आई एम अवेटिंग हिम, अवेटिंग हिम इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाते। डिडंट वेट फॉर मी, यॉन, यॉन फॉर होता है ख्वाहिश होना, जील टू होता है किसी के सामने झुक जाना, जीलस फॉर होता है, उसके बाद अफेक्शन फॉर, अशेम्ड के साथ, शेम्ड एट भी होता है, अशेम्ड ऑफ भी होता है, अपना बिहेवियर होता है शेम्ड ऑफ होगा, और वो सिचुएशन हो तो अशेम्ड एट भी होता है, शोर्ड ऑफ होता है, ब्रोक इनटू, जब आपने थेफ्ट करनी हो चोरी करनी हो तो फिर हम ब्रोक इनटू होता है, बाउंड फार है, अगर डेस्टिनेशन है तो बाउंड फार है, और अगर लिमिटेड होना है तो बाउंड टू है, ही इज बाउंड टू द रूम ओनली। उसके बाद बिलोंग्स टू है, टेक केयर ऑफ है, कम्स ऑफ तुल्लक होना, डेफ टू है, डाइड इन एन एक्सीडेंट, यहाँ पे इन के साथ है, डाइड के साथ नहीं है, डील इन कारोबार करना है, लिमिटेड एट या ओवर, लिमिटेड ओवर होता है, अफसोस का इजहार करना है, और उसके बाद रिग्रेट करना होता है, या लिमिटेड ओवर अफसोस का इजहार करना है। उसके बाद मीट ऑन मंडे, डे के लिए हम जितने भी डेज होते हैं, ऑन सैटरडे, ऑन मंडे, इज इंटेलिजेंट, ऑफिस ड्यूटी, पार्ट हिम फ्रॉम, पर्सन हो तो चीज हो तो विद, प्रे टू गॉड होता है, कॉल विद योर सीनियर्स, रन ओवर या रन डाउन, दोनों प्रेपोजिशन इस्तेमाल होते हैं, इसका मतलब गाड़ी के नीचे आ जाना, सेंटेंस टू दैट होता है, बोथ या ऑल, ऑल द गर्ल और बोथ द बॉयज, इसके साथ हम एक्चुअली यहाँ पे हम स्पेसिफिक लड़ वो गर्ल्स को कर रहे हैं, और इसलिए हमने उनके साथ इस्तेमाल करते हैं। हु आर यू, जब हमने किसी, अब देखेंगे ये एक क्लॉज का हिस्सा है, तो जब क्लॉज का हिस्सा हो तो आपकी क्वेश्चन जो है वो चेंज होता है, वेयर डू यू लिव, ये आपकी इंट्रोगेटिव क्लॉज है, सेंटेंस है, लेकिन अगर किसी का पार्ट होगा आई डू नॉट नो, और वेयर यू लिव आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क भी खत्म हो जाएगा इसमें, और उसके बाद सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और वर्ब बाद में चला जाएगा, तो वेयर यू आर हो गया। ऑफ द टू बुक्स है, तो जब दो में से एक को सिलेक्ट करना हो तो हमने उसमें से दाल भी लगाते हैं और कंपेरेटिव एडजेक्टिव भी लगाते हैं, तो द बेटर हो जाएगा। उसके बाद समथिंग, आई डिड नॉट के साथ हमने एनीथिंग इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव में समथिंग, एनी हम यूज करते हैं नेगेटिव में, उसके बाद इंट्रोगेटिव में, उसके बाद इफ क्लॉज के साथ, उसके बाद विदाउट के साथ, उसके बाद हार्डली के साथ, और नेवर के साथ हम एनी इस्तेमाल करेंगे। और इसमें याद रखना है कि जब हमने एनी का इस्तेमाल करना होता है, सम जो है ना, हम समटाइम पॉजिटिव, जब हमने किसी से ऑफर करनी हो, ऑफर के लिए हम क्वेश्चन में सम इस्तेमाल करते हैं, मसलन, लेकिन ये आपने पेपर में ज्यादातर आपको ये सिंपल ही आएगा, इस तरह का नहीं आएगा, वुड यू, वुड यू वॉन्ट समवन, एनी वन नहीं होगा, वुड यू वॉन्ट समवन टू गो टू द स्टोर, तो इस तरह से हम क्या होगा, ये ऑफर है, वुड यू वॉन्ट, वुड वॉन्ट, वुड लव, वुड लाइक इस्तेमाल करते हैं हम, तो डिड नॉट है तो एनी बडी हो जाएगा। ये तरतीब हमने कहा था, अच्छी बात हो तो टू थ्री वन है, बुरी बात हो तो, बैड मॉरल्स हो तो वन टू वन थ्री टू, और अगर प्लूरल हो तो वन टू थ्री, ये इस तरह से तरतीब है, टू थ्री वन वाला आ जाएगा। और जो ये विल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सम टेंस में तो विल है, सभी में विल ही इस्तेमाल होगा,
या शेल इस्तेमाल ये नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल में एक्ट कर रहे हैं ना कि आई अकेला है, आई अकेला होता है। उसके बाद इम्तिहान का देना जो स्टूडेंट देता है, स्टूडेंट्स का इम्तिहान देना टेक एग्जाम होता है, और टीचर का इम्तिहान लेना जो है गिव एग्जाम होता है। उसके बाद स्वीट स्मेल सेंस वर्ब के साथ हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, तो स्वीट एडजेक्टिव है। दो कंपेरेटिव डिग्रीज अगर एक सेंटेंस में आ जाए तो उसमें हमने कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स आ जाए, तो दोनों के साथ द लगाना है, दोनों के साथ। द हायर द कूलर, मे का नॉइस एक्सप्रेशन होता है, ये कट्ठा है। उसके बाद है अगो आ जाए तो हमने टेंस इस्तेमाल करेंगे, पास्ट टेंस। उसके बाद बस्ट इन टू टीयर्स होता है, ये प्रेपोजिशन स्पेसिफिक है। फॉरबेड के साथ चूंकि पहले ही नेगेटिव है ना करने का, तो फिर हमने नॉट नहीं लगाते इसमें। उसके बाद है पोएट एंड फिलोसोफर, जब ये आर्टिकल एक है दोनों के साथ द है, तो इसका मतलब एक ही बंदे के दो जो ना वो फीचर्स हैं, तो सिंगल सब्जेक्ट होगा। अगर आर्टिकल अलग लगा जी द पोएट एंड द फिलोसोफर, तो ये इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, फिर ये सही है। उसके बाद यस्टरडे मॉर्निंग है तो वेंट आ जाएगा, यस्टरडे इंडिकेटर पास्ट एंड इनफिनिट का। कुडंट हेल्प कैन नॉट हेल्प क्या होगा लॉफिंग, और कैन नॉट, ये दो एक्सप्रेशन होते हैं। हेल्प बट अगर आ जाए तो फिर हमने क्या होगा लॉफ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि ये यहाँ पे हेल्प लॉफिंग हमारा, वैसे ये कुडंट हेल्प बट लॉफ भी सही है। तो चूंकि लॉफिंग आया ये तो कॉमन एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हमने ये वाला सही करना है। उसके बाद है यहाँ पे एग सेल बाय डजन नहीं होगा, ये एक्सप्रेशन गलत है। ऑप्शन एग्स आर सोल्ड बाय डजन, तो दर्जनों के हिसाब से बिकते हैं, ये पैसे वाइज है। उसके बाद मर्डर वॉज हैंग्ड, हंग जो है ना वैसे लटकाना होता है, और हैंग का मतलब फांसी भी देना होता है। यस्टरडे आ गया तो पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, रीच्ड आ जाएगा। उसके बाद वॉन्ट्स मी अ वॉन्ट, उसके बाद डिजायर, उसके बाद लव लाइक, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो इनके साथ हमने इन्फिनिटिव यूज करते हैं। आई जिस तरह से आई लाइक हिम टू वर्क हार्ड, मैं चाहता हूँ कि वो काम करे, तो ये एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं। इसी तरह से आई लव देम टू क्या होगा डू इट ऑनेस्टली, तो ऑनेस्टली के लिए। उसके बाद है इंटेलिजेंट एज पॉजिटिव कंपैरिजन में हमने एज एज लगाते हैं, पॉजिटिव में एज एज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर नेगेटिव में आ जाए तो फिर हमने सो एज का इस्तेमाल करेंगे। ही इज नॉट अगर आ जाए तो फिर सो एज इस्तेमाल करना है। ऑल्दो के बाद हमने कॉमा लगाना है और दूसरा कनेक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद हाउ चार्मिंग आर द सीनरीज ऑफ कश्मीर, ये सीनरी जो है ये अनकाउंटेबल होती है, इसके लिए जाहिर है इज इस्तेमाल करेंगे हम। हु डिड यू सी हैज, डिड यू सी हैज अराइव्ड, तो हु क्या होगा, हु डिड यू से, अब ये हु क्या होगा, हु डिड यू से हैज अराइव्ड, अब यहाँ पे होम डिड नहीं है, हु डिड है, यहाँ पे काम करने वाला है, तो एग्जिस्ट सब्जेक्टिव केस हो गए। उसके बाद क्योंकि ये हैज अराइव्ड का सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने हु इस्तेमाल करना है। उसके बाद है 14 पाउंड्स, ये जितने भी डिस्टेंस के यूनिट होते हैं, उसके अलावा डिस्टेंस या लेंथ, उसके बाद मेजरमेंट या वेट की यूनिट होती हैं, ये हमने टाइम की यूनिट्स होती हैं, जिस तरह से 30 मिनट्स है, 20 kg है, उसके बाद 15 पाउंड्स है, 5 किलोमीटर्स है,
तो ये जब ये एज अ यूनिट एक्ट करते हैं, इनको हम एज अ सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट यूज करते हैं। 14 पाउंड्स इज नॉट हैवी वेट, तो ये कॉम्प्लीमेंट सब जो ना, वो हमारा वो सिंगल नाउन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से इज आ जाएगा। एली आरज़िया, अब हमारे पास सब्जेक्ट जो है ना वो आई आर के साथ हमने जब लगाते हैं तो सब्जेक्ट सेकंड होता है, तो ज़िया के साथ इज आ जाएगा। इस तरह से हमने यूज करना है। उसके बाद ईडियम और फ्रेजल वर्ब है। थ्रू एंड थ्रू का मतलब मुकम्मल तौर पे, आई हैव गॉन थ्रू एंड थ्रू द आर्टिकल, या आई हैव गॉन थ्रू, या आई हैव रेड द आर्टिकल। आप इस तरह से कह ले, रेड द आर्टिकल थ्रू एंड थ्रू, यानी सारा का सारा पढ़ लिया है। बाकी जो इतने भी ईडियम है, ये पहले लेक्चर में ईडियम वाले में या है। आई वॉश का मतलब मिसलीडिंग है, यानी नजर का धोखा है। द इंटरव्यूज एंड आई वॉश द कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी बिन, पहले सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद है टेक टू टास्क, काम पे किसी की जो गलतियां हैं उस पर किसी को मुजरम ठहराना या उस पर पूछताछ करना। द बॉस टुक मी टू टास्क फॉर माई मिस्टेक्स, गलतियों पे उसने मुझे हाजिर सर्विस कर लिया या मुझे पूछताछ की। आउट एंड आउट मतलब कमल तौर, ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड टू पार्ट आउट एंड आउट विद ऑल द मनी। उसके बाद है बिग राउंड का मतलब होता है कि उसके होश बहाल कर देना। वी थॉट ही वॉज गोइंग टू डाई बट द डॉक्टर्स मैनेज टू ब्रिंग हिम अराउंड। कैट्स पॉ का मतलब होता है कि जो दूसरा बंदा उसको यूज करे किसी गलत काम में, यानी उसको बेवकूफ बनाए। ही वॉज मेरली कैट्स पॉ फोल्डर एंड क्लेवर मैन, क्लेवर मैन से आइडिया हो गया, वो कैट्स पॉ है। कास्ट ऑफ का मतलब होता है जान छुड़ा लेना, गेट रिड ऑफ। द टाउन इज स्टिल ट्राइंग टू कास्ट ऑफ इट्स डेलिमेज, डेलिमेज को खत्म कर रहा है। कास्ट का मतलब फेंकना होता है। ड्रॉप इन परे, ड्रॉप इन मीन विजिट करना, ये प्ले नंबर 3 में भी है। ड्रॉप इन वेन एवर यू आर इन नेबरहुड या इन इस्लामाबाद। उसके बाद है ये तो था हमारा, और ये पैराग्राफ है। ये सारे के सारे पैराग्राफ जो है ना वो ट्रांसलेटेड वो नोट्स में मौजूद है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।